हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। मोस्टली आजकल देखा जा रहा है कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। सो कंजंक्टिवाइटिस होता क्या है? अगर हमारे जो कंजंक्टिवा होते हैं, जो ये आईज के वाइट पार्ट है, उसे ही कंजंक्टिवा कहते हैं। अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए या वायरल जीवाणु कीटाणु के वजह से जो अटैक हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारी आंखें एकदम लाल सी हो जाती है, हमारे आंखों में चुभन सी होती है, हमारे आंखों में हमेशा खुजली बना हुआ रहता है, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। सो हम जानते हैं कि कंजंक्टिवाइटिस होता क्या है। कंजंक्टिवाइटिस जानने से पहले हम देखते हैं कि कंजंक्टिवा क्या है। हमारे आंखों के जो वाइट पार्ट है, उसे ही कंजंक्टिवा कहते हैं। कंजंक्टिवा एक लेयर है, हमारे पलकों के पीछे रहता है, स्क्लेरा को कवर करता है। अगर उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, वायरल का इन्फेक्शन हो गया या जीवाणु कीटाणु का अटैक हो गया, उसके वजह से हमारी आंखें एकदम लाल हो जाती है, उसे ही आंख आना कहते हैं। हमारी आंखें एकदम लाल हो जाती है, पिंक कलर की हो जाती है, रेडिश हो जाती है, एकदम चुभन सी रहती है, एकदम जलन महसूस होते रहती है, बहुत ज्यादा पेन होते रहता है, आंखों से बहुत ज्यादा पानी निकलता है। सो इसे ही कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। अब चलते हैं कि क्या क्या कॉजेस है कंजंक्टिवाइटिस होने के। सो गर्मियों में कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अप्रैल में, मई एंड में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है। सेकेंडली, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, एडिनो वायरस की वजह से आपको कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके आंखों में जो पानी निकलता है, उसमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो एटमोस्फियर के अराउंड स्प्रेड हो जाते हैं। अगर हम उन पीपल के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो हमें भी कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। ड्यू टू जो उनके आंख से पानी गिरता है, जो उसमें बैक्टीरिया एंड वायरल होते हैं, वो एटमोस्फियर एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, उनके वजह से हमें भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया एंड वायरल हमें दिखते नहीं है, उनके वजह से भी हमें इन्फेक्शन हो जाती है। और ये एक कंजंक्टिवाइटिस एक फैलने वाली प्रॉब्लम है, किसी को भी स्प्रेड हो जाती है। गर्मियों में मोस्टली बच्चों को, एडल्ट को आप देखेंगे तो किसी ना किसी को कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। थर्डली, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफालोकोकस बैक्टीरिया के वजह से। फोर्थली, ऑटो इम्यून डिजीज अगर आपको है, जैसे कि HLA-B27 आपका पॉजिटिव है, तो आपको कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब चलते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। हमारी आंखों में अगर कंजंक्टिवाइटिस हो गया तो हम क्या महसूस करते हैं, हमें कैसे दिखती है हमारी आंखें, अब चलते हैं उसके बारे में। अगर हमें कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है तो हमारी आंखें एकदम लाल हो जाती है, पिंक कलर की हो जाती है, इसे ही पिंक आई कहते हैं। एकदम रेड सा हो जाता है, चुभन सा महसूस होता है हमारी आंखों में, हमेशा जलन सा रहता है, आंखों से बहुत ज्यादा पानी गिरती है, हमारी आंखों में इतनी ज्यादा इरिटेशन होते हैं। अगर आपको एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की वजह से अगर प्रॉब्लम है, तो आपके आंखों में हमेशा खुजली सा महसूस हो, ऐसे लगेगा आप अपने फिंगर से या हैंड से खुजली करें, ऐसा आपको फील होता है। साथ ही बहुत ज्यादा पानी गिरता है। अगर आप रात में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, तो आपकी आंखें खुलती नहीं है, आपको पानी से वॉश करना पड़ता है अपने आईज को ओपन करने के लिए, बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है आपकी आंखों में। अब चलते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट से, कैसे इफेक्टिव मेडिसिन से हम कंजंक्टिवाइटिस को रोक सकते हैं या कंजंक्टिवाइटिस को हम ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट, इफेक्टिव मेडिसिन है यूफ्रेजिया, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, खासकर आंखों के लिए, कंजंक्टिवाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ये मेडिसिन। खासकर अगर आपके आंखों में बहुत ज्यादा जलन है, बहुत ज्यादा चुभन है, एकदम आंखें लाल हो गई है, बहुत ज्यादा पानी गिर रही है, बहुत ज्यादा आंखों में कीचड़ आ रहे हैं, तो यूफ्रेजिया 32 बूंद आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह 2 बूंद लेना है, दोपहर में 2 बूंद लेना है, रात में 2 बूंद लेना है। सेकेंड मेडिसिन है, हम बात करेंगे बेलोडोना 30 पोटेंसी में आपको लेना है। बेलोडोना इज ऑल्सो इफेक्टिव मेडिसिन, खासकर अगर आपके आंखों में कंजंक्टिवाइटिस है, अगर आप ऐसे हाथ रख रहे हैं आपके आंखों में, आपकी आंखें आपको गर्म महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा लाल सा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जलन है, तो आप बेलोडोना 30 पोटेंसी में यूज करिए, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर ये एक्यूट नहीं है और पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाल हो गया है, आप बियर नहीं कर पा रहे हैं, तो बेलोडोना 30 1 1 आली आप ले सकते हैं, 2 बूंद आप 1-1 घंटे पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है सिनेरिया मार्टिमा, ये आई ड्रॉप डालने वाली ड्रॉप है, इसे आपको 2 बूंद दिन में 3-4 बार ये मेडिसिन आपको डालना है। तो आप आई ड्रॉप यूज करेंगे, ये डॉक्टर रिक्वेस्ट की है, सिनेरिया मार्टिमा विदाउट अल्कोहल, ये डालने पे आपको आंखों में जलन नहीं होगी, साथ ही आपको ड्रॉप एकदम क्लोजली नहीं डालना है, आपके आई को टच नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से क्या होता है, आपके ड्रॉप में वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है। अगर आपको दूसरे आंख में कंजंक्टिवाइटिस नहीं रहेगा, तो आई ड्रॉप आप दूसरे आईज में डालेंगे, तो उसमें भी आपको ये
इन्फेक्शंस हो सकते हैं. सो बी केयरफुल. थोड़ा ऊपर से आपको डालना है आई ड्रॉप अपनी आंखों में, दो दो बूंद दिन में 3 से 4 बार आपको ये मेडिसिन कंटिन्यू करना है. सो गाइज, ये रही कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है. अगर किसी को घर में आपके प्रॉब्लम है कंजंक्टिवाइटिस, आपके बच्चों को प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन जरूर से जरूर यूज करें. बहुत अच्छा रिजल्ट है, कंजंक्टिवाइटिस 3 से 4 दिन में चले जाएंगे. अब चलते हैं कि हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं. फर्स्टली जो यूफ्रेजिया 30 पोटेंसी मेडिसिन है, अगर वो ज़्यादा आपको बड़ा नहीं है आँखों में, स्टार्टिंग है, शुरुआत है, ज़्यादा नहीं है, तो आपको दो दो बूंद दिन में 3 बार लेना है. बेलोडोना 30 भी आपको 2 बूंद दिन में 3-3 बार हम प्रिस्क्राइब करते हैं. साथ ही सिनेरिया मार्टिमा जो आई ड्रॉप है डॉक्टर रैकवेज की, वो 2 ड्रॉप आपको दिन में 4 बार देना है. ये कुछ मेडिसिन है. सो गाइस, ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप वॉच आउट करें, लाइक करें, और एक नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे प्रेस करें, बेल आइकन है उसके साइड में उसे भी दबाएं, एंड मोस्ट ऑफ ये वीडियो आप शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाइए. और कुछ आप डिजीजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें. प्लीज इस वीडियो को लाइक करें. थैंक यू सो मच.